Welcome guys, this is our new series of civil engineering most expected 10 MCQ part 7. Now let's start our questions. Our first question: for a given road, safe stopping side distance is 80 meter and passing side distance is 300 meter. What is the intermediate side distance? We know that intermediate side distance is 2 times stopping side distance. Our stopping side distance is given 80 meter. So the intermediate side distance is 160 meter. So the correct answer is 160. Our next question: to minimize the total cost of a roof truss, the ratio of the cost of truss to the cost of purlin shall be. Roof truss ki jitni bhi cost aati hai usko minimum rakhne ke liye cost of truss और कॉस्ट ऑफ पर्लिन का क्या रेशियो होना चाहिए, तो इनको जो रेशियो होता है वो होता है 2. तो अपना करेक्ट आंसर है 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन: मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स. छत होती है उसका जो फॉर्मवर्क होता है सॉफ्ट का, वो हटाने के लिए मिनिमम कितने डेज का होता है, तो मिनिमम होता है 3 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन: द नेशनल कलर फॉर एग्जिस्टिंग हजार्डस बिल्डिंग इन ए साइट प्लान इज. साइट प्लान जो होता है उसमें जो पहले से ही कोई जार्डस बिल्डिंग बनी हुई है उसको किस कलर से दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है ब्लैक कलर. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन: ए विंडो दैट प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ ए रूम इज. जो बाहरी दीवार होती है उसकी तरफ जो विंडो निकाली हुई है होती है जो प्रोजेक्टेड है, उस विंडो का क्या नाम है, तो अपना करेक्ट आंसर है बे विंडो. चलिए अपन इसकी कोई इमेज देख लेते हैं. जैसे ये एग्जांपल एक बे विंडो का है जो अपनी बाहरी दीवार है उसमें आउटसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड है. ये एग्जांपल भी बे विंडो का है, और जैसे ये एग्जांपल है अपनी बे विंडो. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग नोज गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग स्मॉल डिस्चार्ज. दोस्तों, नोज वो डिवाइस होती है जो पानी का डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए ली जाती है. आंसर में रेक्टेंगुलर नोच भी है, ट्रेपिजोडल नोच भी है, ट्रायंगल नोच भी है और सिपलोटी नोच भी है. सभी डिस्चार्ज मेजर करने के ज्ञात हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पानी का डिस्चार्ज स्मॉल हो यानी स्मॉल डिस्चार्ज को एक्यूरेटली इनमें से कौन मेजर करेगा, तो अपना करेक्ट आंसर है ट्रायंगुलर नोच. ये देखिए ऐसी होती है ट्रायंगल नोच जिसमें से पानी निकलता है, पानी इसमें कम हो तो भी ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन: यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज. रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या यूनिट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है mm². अगर डायमेंशन mm में गिवन है तो इसका करेक्ट आंसर होता है mm². अब नेक्स्ट क्वेश्चन: अंडर एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग परसेंटेज ऑफ कॉन्टीजेंस यूजुअली टेकन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग.
बिल्डिंग बनाने में जो पहले एस्टीमेट किया जाता है, तो उस एस्टीमेट का कंटिजेंसी चार्ज कितना लिया जाता है? तो कंटिजेंसी चार्ज वो होता है आकस्मिक व्यय, ऐसे खर्चे जो पहले निर्धारित नहीं होते हैं लेकिन इन फ्यूचर वो कभी कभी आ जाते हैं, आकस्मिक होते हैं, तो वो जितना पहले अपने एस्टीमेट बनाया है उसका 2 से 3% होता है। तो अपना करेक्ट आंसर है 2 to 3%। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है उसमें क्या है? तो दोस्तों अंडर रेनफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें स्टील क्या होता है, फुल स्ट्रेस्ड होता है, यानी कि कंक्रीट से पहले स्टील अपनी पूरी क्षमता ले लेता है और फेल स्टील पहले होता है। इसीलिए हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि स्टील जब अपनी पूरी क्षमता ले लेता है तो उसमें डक्टाइल फेलियर होता है। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ जाता है तो उसमें स्टील से पहले कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ ले लेता है और कंक्रीट फेल हो जाता है, और कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है इसलिए उसका सडन फेलियर होता है, जबकि स्टील में डक्टाइल फेलियर होता है तो सेफ्टी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है स्टील इज फुल स्ट्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजीनियस ट्री? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एक एंडोजीनियस ट्री है? दोस्तों एंडोजीनियस ट्री वो पेड़ होते हैं जिनकी ग्रोथ अंदर के अंदर होती है, यानी उनका बाहर से कोई विकसित नहीं होता। तो बम्बू है उसका तना ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होता, वो बढ़ता जाता अंदर की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेम्बू, अपना बांस होता है वो एक एंडोजीनियस ट्री का एग्जांपल है। लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चन दिया था प्रोसेस ऑफ फिलिंग होलो स्पेसेस ऑफ वॉल्स बिफोर प्लास्टरिंग इज नोन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है डबिंग आउट। आज का क्वेश्चन आपके लिए, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाई ए लेयर ऑफ, ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी विनाइल प्लास्टिक, ऑप्शन डी क्रोमियम प्लेट। दोस्तों ये क्वेश्चन RPSC IN 2018 में पूछा गया है और ये SSC JEE 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप अपना वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।